वंदे मातरम। मैं निशा गर्ग, भारत विकास परिषद ब्यावर शाखा से। आज हम ड्राइंग में डूडल आर्ट सीखेंगे। ये वाली डूडल आर्ट आज हम लोग सीखेंगे, ये है कॉफी मग डूडल आर्ट। इसके अंदर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और उसके ऊपर फेसेस बने हुए रहते हैं। और एक डूडल आर्ट हमारे पास और है, वो ये वाली है। इसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट है और सब पे फेस बने हुए हैं और सब एक दूसरे से कनेक्ट है। तो चलिए अब अपन आज सीखते हैं कॉफी मग डूडल आर्ट। जेल पेन से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले अपन ने एक कप बनाया और उसका एक हैंडल बनाया और नीचे से उसकी एक सॉसर बनाई है। ये क्रीम बनाई और कप में भी क्रीम फिल की। अब उसका फेस बनाया और आइस कलर की। अब सॉसर की डिजाइन बनाई अपन ने और इसकी अंडरलाइन को डार्क किया। अब अपन दूसरा कॉफी मग बनाते हुए जो साइज में थोड़ा बड़ा है उसके ऊपर भी क्रीम बनाई और अब कप का हैंडल बनाया और ये कप की डिजाइन, फिर वही फनी फेस। अब अपन इसी से ही मिलते हुए तीसरा कॉफी मग बनाएंगे। डूडल आर्ट में सारी ड्राइंग एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे से रिलेट करती है और उसी के साथ में ये फनी इमेज बनाती है। चलिए ये अपना तीसरा कॉफी मग भी कंप्लीट होते हुए अब अपन एक और कॉफी मग बनाएंगे। ये पूरा कॉफी मग आर्ट है जिसको अपन ने डूडल में बनाया है। यहाँ पे एक कॉफी बीन्स बनाई अपन ने और उसकी डिजाइन बनाई, ये कॉफी मग को फिल किया और ये क्रीम की डिजाइन बनाई अपन ने। एक और कॉफी बीन्स एंड डिजाइन, कप की आइस एरो वाली और नीचे शाइनिंग और ये सॉसर कंप्लीट डिजाइन से। अब इसके अंदर भी लाइंस बनाएंगे जिससे ये कॉफी बीन्स सुंदर दिखे। अब एक और कॉफी मग ऊपर से फिल किया, राउंड लाइन खींची जिससे ये लगे कि इसके अंदर क्रीम फिल है, हैंडल बनाया और कोई फनी फेस। अब इसके पास एक डोनट बनाएंगे। आप देखते जाइए मैंने कैसे कैसे लाइन ली है। अब ये इसकी आईज और लिप्स बनाए और ये डोनट का होल कंप्लीट करने के लिए मैंने एक स्माइली लिप्स बनाया है और ये छोटे छोटे स्प्रिंकल्स। अब एक और कॉफी मग, अब इसके अंदर क्रीम फिल करते हुए दिखाएंगे। ये डोनट सेम पहले बना उसके जैसा ही है। ये इसकी आईज, एरो, ये स्माइली होल कवर करती हुई और ये इसकी डिजाइन डॉट डॉट वाली, फिर कॉफी बीन्स। आप चाहे तो ड्राइंग की आउटलाइन डार्क कर सकते हैं। ये एक प्लास्टिक वाला कॉफी मग बनेगा जो ऊपर से पैक होगा। ये इस कप की अपन ने आईज और फेस बनाया और जो सर्कल है उसको अपन ने लाइन से कवर किया है। एक और कॉफी मग, इसकी आउटलाइन साफ दिख रही है, कंप्लीट ऊपर क्रीम बनाई और इसकी हाफ कप है इसलिए वन आईज बनाई। एक और छोटा कॉफी मग, सुंदर सा क्रीम फिल की उसमें अपन ने और फेस बनाया सिमिलरली। अब एक और कॉफी मग, अब आपको कॉफी मग बनाने का आइडिया तो हो ही गया होगा। ये अपन ने वाटर ड्रॉप्स बनाई है और ये हैंडल, ये पैक वाला कॉफी मग है जिसे अपन ने कंप्लीट किया। ये वाटर ड्रॉप्स, वही फनी फेसेस वापस। अब एक अपन डोनट बनाएंगे, ये इस डोनट के साथ ही ये ड्राइंग कंप्लीट, स्प्रिंकल्स
होल कवर एंड स्माइली फेस, वाटर ड्रॉप्स, छोटे छोटे डॉट्स, कंप्लीट। ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। आप चाहे इसे कलर कर सकते हैं, आप चाहे इसे ऐसे ही रख सकते हैं। मैंने कप के अंदर येलो कलर फिल किया और प्लेट के अंदर मैं ग्रीन कलर यूज़ ले रही हूँ। आपकी इच्छा हो तो आप जो चाहे कलर यूज़ ले सकते हैं। इसकी आउटलाइन अपन डार्क करेंगे और मिडल में इसके अपन लाइट कलर से शेडिंग देंगे। ये देखिए, मैं लाइट कलर से शेडिंग दे रही हूँ इसकी, और ये शेडिंग कंप्लीट। अब इसकी सॉसर को ये वाला डिज़ाइन डार्क कलर से करके अपन कॉफ़ी को कंप्लीट करेंगे। ये कॉफ़ी लाइट ब्राउन कलर की, अब अपन को कॉफ़ी का कलर डार्क चाहिए, इसलिए अपन इसे ब्लैक कलर से कलर करेंगे। और ये बीच में जो वाइट लाइन है, ये क्रीम को इंडिकेट कर रही है। और ये इसका हैंडल कलर करते हुए, हैंडल कंप्लीट हुआ। अब ये क्रीम को अपन कलर करेंगे। इसमें बिल्कुल लाइट लाइट चलाना है, जिससे क्रीम में हल्का सा टेक्सचर ब्राउन का आ जाए। ये देखिए, मैं इसकी सारी आउटलाइंस के आसपास में ब्राउन लाइट लाइट कलर कर रही हूँ। ये देखिए, लाइट आउट कलर हुआ और ये ऊपर से डार्क, ये आधे ऑब्जेक्ट कलर हो गए हैं और ये ऐसे दिख रहे हैं। अब अपन इसे सारे फिल करके देखेंगे। अब ये देखिए, सारे फिल किए हुए ये ऐसा लग रहा